में आज एक अखबार में खबर छपी है कि काफी सारी वीरांगनाएं हैं, उनके नाम पर अभी तक स्कूलें नहीं हुई, क्या कारण है? और जयपुर का जो धरना रात को हटाया है, इस पर क्या कहोगे? देखो, देश के जो सम्मान में लोग लड़ते हुए जो शहीद हो गए, पुलवामा के जो शहीद हैं या कोई भी शहीद हो, उनका मान सम्मान देना चाहिए। और जिस तरह से उनकी जो वीरांगनाएं हैं, जो देश का हमारा गौरव है, जिनके पार्थिव सिर पे जब जाते हैं, जब लोग वहाँ पे अच्छे वादे करके आते हैं, लोग सोचते हैं कि देश के लिए हमारे पतियों ने प्राणों की न्यौछावर दी है, तो हमें मान सम्मान मिलेगा। लेकिन जिस स्थिति के अंदर वीरांगनाओं के साथ में पुलिस ने बेरहमी से बाल पकड़ कर खींचा, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और जो दोषी पुलिस अधिकारी, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो देश के अंदर जो जज्बा है हमारे भारतीयों का, उनको जो वीरांगना को एक सम्मान मिल सके वापस, जो उनका सम्मान जो गिरा है वो सम्मान वापस प्राप्त कर सके, जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, ये हमारी मांग है। रात को 3 बजे अंधेरे में उठाना, सीएम द्वारा बिना मिले उन्हें वापस कहीं पर अज्ञात जगह भेजा जाएगा, क्या कहोगे? देखिए, अज्ञात जगह पे मुझे नॉलेज भी नहीं है इस बात की कि कहाँ अज्ञात जगह लेके जाया गया। हमारी नॉलेज में जाए तो हमने कही है, माननीय पायलट साहब ने पत्र लिखकर मांग की है कि जो वीरांगनाएं हैं देश के, हमारे सर्वोच्च जो सैनिक थे, उनके सम्मान के अंदर जो हम कर सकते थे वो करना चाहिए। जो सरकार ने घोषणा की है, उन घोषणाओं को पूरा करना चाहिए। और जो उनकी बची हुई शेष मांगे हैं, जो न्यायोचित मांगे हैं, जिनको हम पूरा कर सकते हैं, उनको तत्काल प्रभाव से नहीं है। इसी तरह से जो हमारी वीरांगनाएं हैं, जिसने देश की समर्पित किया, उनकी पत्नियां अगर इस तरह से रोडों के ऊपर अगर वो जाएंगी, रोडों के ऊपर अगर रोएंगी, रोडों के ऊपर घास खा रही हैं, वहाँ सर्दी के अंदर सो रही हैं, बारिश के अंदर सो रही हैं, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है, प्रदेश के अंदर के लिए भी अच्छा नहीं है। चुनावी साल है सर, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, कितनी घोषणाएं कंप्लीट हुई हैं, कितनी खराब हुई हैं? देखिए, कुछ घोषणाएं हैं, 95% घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, कुछ घोषणाएं बची हैं जो लगातार जारी हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये घोषणाएं चुनाव से पहले पहले सारी पूरी हो जाएंगी। सर, पूर्वी राजस्थान का इलाका है जहां पर आप खड़े हुए समय यहाँ खूब जबरदस्त वोट हुआ और जबरदस्त कांग्रेस को समर्थन मिला, क्या आपको लगता है कि जो अगला इस साल चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसी तरह का परिणाम देगी जनता, क्या चेंज होना चाहिए? तो ताकि देखो, जनता पूरा परिणाम देगी। जनता चेहरे को देख के जिस तरह से वोट दिया था, मैं बार बार कहता आया हूँ कि चेहरे पे वोट मिला था, अगर उस चेहरे को आगे करते हैं तो प्रदेश की जनता वापस वोट देगी, इसमें कोई संकोच नहीं है। और वोट ही नहीं देगी, वो ब्याज सहित ऋण से उतारेगी, जो 4 साल उन्होंने देखा है। अगर उस चेहरे को घोषित कर दिया गया, जिसको चेहरे को जनता देखना चाहती है, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास कर देता हूँ कि सरकार, जो ये हमारी जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, 100% रिपीट करेगी। नहीं किया तो जनता है, ये तो सब जानती है, सब देखती है, जो नहीं किया तो नहीं करेगी, इसमें क्या है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो राजस्थान की जनता कह रही है, जिसे जाके पूछोगे वो यही कहेंगे कि क्या स्थिति है। चेहरे के ऊपर चुनाव जीत के आए थे, मैंने पहले बार बार में कहा था कि जिन चेहरों पे चुनाव हम जीत के आए, इसलिए साथ खड़े हैं सब लोग। इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी विधायक के तौर पर वो काम कर रहे हैं, लगातार ग्राउंड पे भी काम करते रहते हैं, क्या लगता है कि अब काला कमान को डिसीजन लेना चाहिए? देखिए, ये चीज़ तो बार बार कह दिया, पुराना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो पहले भी कहा था कि समय निकल गया है, और समय निकलने के बाद में, जिस तरह सांप निकल जाने के बाद में लकीटी पिटने से कुछ नहीं होता, इसलिए समय निकलने के माने कुछ नहीं होने वाला, समय रहते हमारे को जल्दी जल्दी फैसला करना चाहिए, जिससे कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरांगनाओं का चल रहा है, आज एक अखबार में खबर छपी है कि काफी सारी महिला, अपने आपके भी इलाके में एक राजेंद्र मीणा नाम पर शहीद हुआ है, उसके नाम से स्कूल नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे केस है, क्या कारण है जो इनके काम पूरे? देखिए, ये ऐसी बात तो नहीं है कि सरकार काम नहीं करना चाह रही है, सरकार तो करना चाह रही है, पर उसको टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। और मेरे यहाँ खास तौर से प्रॉब्लम ये हुई कि जो जिस गांव के रहने वाले हैं, उस गांव में 5वीं तक स्कूल है, और उनकी मांग ये है कि जो मुहिम 12वीं तक स्कूल है, उसको उनके नाम से किया जाए। अब सरकार में नियम जो बने हुए हैं पहले ऐसे बना रखे हैं उन्होंने, जिस गाँव का जो शहीद है उसी गाँव में अगर स्कूल है तो उसी गाँव का नामकरण होगा। उसी पर अभी हमने वापस सीएम साहब से रिक्वेस्ट की है कि भाई इसके 12वीं तक की जो मुहि की स्कूल है, उसका नामकरण उनके नाम से किया जाए। रात को 3 बजे जो शहीद 3 वीरांगनाएं जयपुर में बैठे थे, उनके लड़ने को उनको हटा दिया, क्या कहोगे इस पूरे घटनाक्रम से? जयपुर में जो आंदोलन चल रहा है वीरांगना, देखिए, ये तो भाई राज्य सरकार और एक तरह से अधिकारियों की उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, पर मैं मानता हूँ कि उनकी मानवीय संवेदनाओं को सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनकी मांगों को मानना चाहिए। ऐसे नहीं भेजना चाहिए, पहले मिलना चाहिए उनसे, नहीं मिलना भी चाहिए, उनकी बात को सुन के और कोई निर्णय करना चाहिए, उनकी बात वाजिब बात है तो उनकी बात को मानना चाहिए। जिस तरीके से चुनाव आ गए हैं लगातार और मांग उठती जा रही है कि पायलट साहब को आगे लाना चाहिए, तो मानेसर में जो बातें हुई थी उनको अमल कर लेना चाहिए? अब ये तो भाई मानेसर में क्या बातें हुई थी, ये तो हाईकमान का मुद्दा है, और मैं समझता हूँ कि हाईकमान निश्चित ही उन बातों पर विचार भी करेगा, और उनकी बातें जो हुई हैं उन पर
अमल किया जाएगा और अमल करना चाहिए। अब ये तो आने वाले समय बताएगा किस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं। मतभेद चल रहा है, ऐसा कोई मतभेद नहीं है, पर पार्टी में सभी पार्टियों में आपसी लोगों से विचार विमर्श करके संवाद करके और बातों को तय करना चाहिए ताकि पार्टी को नुकसान नहीं हो।